सुना तुमने, जलने की बदबू आ रही है ना? बिल्कुल यहीं से आ रही है। देखो वो लोग जल रहे हैं बैठे बैठे, जो ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं। बोलने से पहले ना अपनी डीपी लगाओ। तुम अपनी थूथरी तो दिखाते नहीं हो और ये कमेंट कर देते हो कि मोटी है, ढिमका है, फलाना है, ये है वो है। उसके अंदर टैलेंट है तेरे अंदर? 2-4 दिन का सीखा हुआ नहीं है भाई, सालों लगे हैं और पैसे से लगे हैं। फ्री में किसी से उठाई गिरे से सीख के नहीं आई है? सीख रही है तो सिखा भी रही है। आई बस समझ में? पर तुझे इस चीज़ की समझ नहीं होगी, तू तो वही अपने उसमें धुन में है। और अपनी डीपी लगाने की तेरी हिम्मत नहीं है। तेरे को अपने थू अपने खुद के चेहरे पे तुझे थू आती होगी, जब भी तूने दूसरे के चेहरे का या दूसरे की डीपी का सहारा ले रखा है। गिनती की तेरे उसके अंदर 4 वीडियोस पड़ी हैं, वो भी किसी और की चुराई हुई तूने डाल रखी है। तेरे में दम नहीं है क्या? यूं ही है वेला, उसमें दम है, पार्लर खोल के बैठी है। चला जा द्वारका, तेरे में दम हो तो। साला कुत्ता, जो मन में आता है बोल देते हो, लिख के चले जाते हो। अगर तुम किसी के काम की कदर नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता उसके ऊपर उंगली उठाने का। वो तुम्हारे पास आ रही है क्या बोलने के लिए? वो तुम्हें आके बोल रही है कि मेरे को ऐसा बोल, कि मुझे ऐसा बोल, या तुम्हारे घर में आके 4 बातें बोल रही है? सुना तुमने, जलने की बदबू आ रही है ना? बिल्कुल यहीं से आ रही है। देखो वो लोग जल रहे हैं बैठे बैठे, जो ऐसे फालतू के कमेंट करते हैं, जिनकी खुद की अपनी कोई इज्जत नहीं है, इसीलिए वो दूसरों की इज्जत नहीं देते। उनकी घर में नहीं चलती तो सोचते हैं हम बाहर चला लें, पर बाहर भी हम जैसे लोग इनकी दाल गलने नहीं देते। सही कहा ना मैंने? आ रही है ना जलने की बदबू? ऐसे ही लोग हैं साले बदतमीज। रोस्ट करने का बड़ा शौक रहता है तुम्हें, और जब तुम्हारे ऊपर कोई रोस्ट कर दे तो तुम्हें मिर्ची लग जाती है। लग जाती है ना? अगर किसी के ऊपर कमेंट कर रहे हो तो पहले उसके जैसा बनो, फील करो कि उसने कितनी मेहनत करी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। 1 मिनट लगता है तुम्हारा उस कमेंट को टाइप करने में, उस 1 मिनट में उस कमेंट को पढ़ने वाले लोगों की इमेज में कितना फ़र्क पड़ता है पता है तुम्हें? तुम तो लिख के चले जाते हो, कल को कोई गली में खड़ा होकर तुम्हारे लिए कुछ बोलेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा अपनी इज्जत की, अपनी रेपुटेशन की क्या इज्जत होती है।